गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये बच्चों हमारे ना स्टेचुटरी अमेंडमेंट्स हैं जो सीए इंस्टीट्यूट ने दी हैं नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए। एक बार हम पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा है। द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। क्योंकि हमारी ये जो अमेंडमेंट इन्होंने दी है ना, ये दी है 1 मई 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक। वो अमेंडमेंट जो पहले फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू हुई, पर प्लस अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर के थ्रू होती है, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर इशूड एंड अदर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट मेड। अब ये अमेंडमेंट जो सीए इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहा है वो आपके एग्जाम तक के लिए रेलेवेंट है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं पढ़ना। अप टू 30th April 2022 आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। अभी आपको बता रहे हैं कि जो आपको उस टाइम पे स्टडी मटेरियल मिला था जब आपने सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन कराया था, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अगस्त 2021 एडिशन, वो हमारे पास वही एडिशन है। ऑफ द स्टडी मटेरियल ऑफ इंटरमीडिएट पेपर 4B इनडायरेक्ट टैक्सेस इज बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट आईजीएसटी एक्ट एज अमेंडेड अप टू 30th April 2021। उसके बाद फिर सी इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट दी थी 31 अक्टूबर तक की, लेकिन ये अब आपको सारी अमेंडमेंट एक तरह से 1 मई 21 से लेकर 30 अप्रैल 22 तक की, मतलब जब का हमारा स्टडी मटेरियल है उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल है वो हमें एक साथ दे रहे हैं। द अमेंडमेंट मेड बाय द नोटिफिकेशन सर्कुलर इशूड बिटवीन 1st May 2021 एंड 30th October 2021 इन जीएसटी लो एज वेल एज अमेंडमेंट मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 विच बिकेम इफेक्टिव बिटवीन 1st May 2021 एंड 31st October 2021 आर गिवन इन दिस स्टैट्यूटरी अपडेट। मतलब यहां से लेकर पूरे एक साल की अमेंडमेंट दे रखी है। बहुत सारी तो हमने पढ़ रखी है क्योंकि हमने जो अपने नोट्स में से पढ़ा था उसमें 31st अक्टूबर तक की अमेंडमेंट तो ऑलरेडी इंक्लूड थी, लेकिन ये फिर दे रहे हैं तो हमें रिवाइज हो जाएंगे। फॉर द ईजे ऑफ रेफरेंस द अमेंडमेंट हैव बीन ग्रुप्ड इनटू चैप्टर विच कोरस्पोंड विद द चैप्टर्स ऑफ द स्टडी मटेरियल। मतलब ये जो हमें अमेंडमेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों चैप्टर वाइज दे रहे हैं हमारे लिए ईजी करने के लिए। इन्होंने ना बच्चों 8 चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट दी है, मतलब 8 चैप्टरों में अमेंडमेंट है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, मैं इसको आपको 4 क्लासेस में कराऊंगा। फर्स्ट क्लास में 2 चैप्टर, सेकंड क्लास में 3rd 4th, 3rd क्लास में 5th 6th और 4th क्लास में 7th 8th। इससे क्या होगा, हम 4 लेक्चर में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहली जो है वो सप्लाई अंडर जीएसटी से रिलेटेड है। हमारे अकॉर्डिंग ये चैप्टर 1 था, हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी के अकॉर्डिंग है चैप्टर 2। बच्चों इन्होंने क्या चेंज किया है समझाता हूं पहले आपको। कुछ ना अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस होते हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब है जिनका इनकॉर्पोरेशन नहीं माना जाता, जिनको अलग से पर्सन नहीं माना जाता, उनके मेंबर और वो एक ही बात मानी जाती है। जैसे कोई क्लब है, सोसाइटी है। तो हमें ये समझना है कि अभी तक किसके रिगार्डिंग क्या था प्रोविजन, कि अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को कोई सर्विसेज दे रहा है तो गवर्नमेंट कहती थी कि उसको हम सर्विस मानेंगे ही नहीं, सप्लाई हुई नहीं है, क्योंकि एक पर्सन अपने आप को सप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे यहां ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसको इन्होंने अब ओवरराइड किया है। द अबू अमेंडमेंट इन इफेक्ट ओवर रूल्स द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो बच्चों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है ना उसको लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि उसमें कभी चेंज किया जा सकता है, गवर्नमेंट अगर लॉ में ही चेंज कर दे तो ऑटोमेटिकली उसमें अमेंडमेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको ओवरराइड किया जा सकता है थ्रू पार्लियामेंट। इन्होंने वैसे ही किया। द अबू अमेंडमेंट इन इफेक्ट ओवररूल्स द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कोलकाता क्लब लिमिटेड वेयर इन इट वॉज हेल्ड दैट द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए क्लब एंड इट्स मेंबर्स कैन नॉट बी टैक्स्ड ओइंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी का मतलब होता है कोई पर्सन अपने आप को गुड्स या सर्विस नहीं बेच सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैश अगर अपने सेविंग अकाउंट में बैंक में जमा कराता हूँ तो मैंने अपने आप से इनकम थोड़ा कमाई है, वो मेरे लिए खर्चा थोड़ा है, मैंने तो एक जगह से दूसरी जगह अपने पैसे ट्रांसफर किए हैं जहां रिसीवर भी मैं हूँ और गिवर भी मैं हूँ।
उसका आपस में ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, अपने आप से वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ये कौन कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। और उन्होंने माना कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती हैं और उनके मेंबर जो होते हैं उनको एक ही पर्सन माना जाएगा, अलग अलग पर्सन नहीं माना जाएगा। तो पहले तक हमारे जीएसटी में इसके लिए प्रोविजन नहीं था, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाता था। डेट इज ए पर्सन कैन नॉट मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ। अब इन्होंने अमेंडमेंट में क्या किया बच्चों, 7(1)(a) ये क्लोज इंसर्ट कर दी, जिसमें ये कहा कि अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अदर देन इंडिविजुअल, बच्चों जो क्लब है जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल कैसे हो सकते हैं, तो लोकल लैंग्वेज में क्लियर बोला कि कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अगर अपने मेंबर्स को कोई भी गुड्स या सर्विसेज देता है तो डेट विल बी कोल्ड सप्लाई, उसको सप्लाई माना जाएगा। आप जो डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी है उसको ओवरराइड कर रहे हैं, उसमें जो कहा गया था क्लब के रिगार्डिंग कि क्लब और उसके मेंबर अलग अलग पर्सन नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दो अलग अलग पर्सन माना जाएगा। पहले इन्होंने क्या कर रखा था बच्चों, एक ना हमारी शेड्यूल सेकंड है जो हमने पढ़ा है, जिसमें ना हम ये बोलते हैं कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इन्होंने उसके लास्ट पैरा 7 में दे रखा था कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को कोई गुड्स बेचती है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, लेकिन उस पैरा का कोई यूज ही नहीं था। जब उसको सप्लाई नहीं माना जा रहा तो फिर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कहते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने अब वो पैरा ओमिटेड कर दिया और 7(1)(a) के नाम से क्लोज इंसर्ट कर दिया और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला है 1 जुलाई 2017 से, जब से जीएसटी आया है। मतलब जिन्होंने इन ट्रांजेक्शन से अपना टैक्स बचाया है अब इसको दोबारा से टैक्सेबल कर दिया जाएगा पास्ट डेट से ही। गवर्नमेंट कह रही है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, जब से हमारा जीएसटी शुरू हुआ है तब से इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। देखो मैं पढ़ाता हूं, एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई बिटवीन एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन वो इंडिविजुअल हो भी कैसे सकते हैं, एंड इट्स मेंबर्स, मेंबर का हो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है घटक जो किसी तरह से वोटर है तो वो मेंबर ही होते हैं, फॉर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, उसको अब इन्होंने स्कोप ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लिया है। कैसे इंक्लूड किया है वो समझना, तो सेक्शन 7 और शेड्यूल 2 दोनों में अमेंडमेंट की गई है। फॉलोइंग अमेंडमेंट हैव बीन मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021। पहली चीज, अर्लियर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन वाज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स पैरा 7 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द सेड पैरा हैज बीन ओमिटेड। गवर्नमेंट ने कहा यह पैरा अब इफेक्टिव ही नहीं है, फ्रॉम शेड्यूल 2 रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, मतलब उस पैरा को तो हम जैसे क्रॉस कर दे वो हो गई बात, और एक नया सब सेक्शन इंसर्ट कर दिया 7(1) के साथ, सप्लाई के मीनिंग में ले लिया इसको। सेकेंड, ए न्यू क्लोज AA हैज बीन इंसर्टेड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 टू इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी ट्रांजेक्शन विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब इसमें क्या कहा गया सुनना, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन द अबू अमेंडमेंट पुट्स, मतलब पहले ना कंफ्यूजन होती थी कि उसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सप्लाई में ले नहीं रखा था, एक पर्सन अपने आप को सप्लाई कर नहीं सकता, और इधर से पैरा 7 में डाल रखा था कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, मतलब इस तरह से दे रखा था, तो कंफ्यूजन थी, तो उस कंफ्यूजन को इन्होंने ओवर कर दिया है। वेदर एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सप्लाई और नोट, तो अमेंडमेंट कहती है हाँ है, द अमेंडमेंट ब्रिंग्स द सर्टेनिटी डेट सेड एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन आर कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एंड इंश्योर द लेवियबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन आता है फिर इसको शेड्यूल 2 से क्यों हटाया, क्योंकि वो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स को कवर कर रहा था, अब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को सप्लाई ऑफ सर्विस करेगा
तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, गुड्स सप्लाई करेगा तो उसको सप्लाई ऑफ क्या माना जाएगा, गुड्स मतलब जैसे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को सामान बेचता है या सर्विस देता है जैसे उसको ट्रीट किया जाता है वैसे यहाँ ट्रीट किया जाएगा। देखो लिख रहा है, फर्दर एन एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो बींग इंसर्टेड टू सेक्शन 7(1)(AA) टू क्लैरिफाई डेट पर्सन इट्स मेंबर कंस्टिट्यूएंट शैल बी डीम टू बी टू सेपरेट पर्सन। उसमें इसमें साथ में इंसर्ट कर दिया है कि एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और उसके मेंबर दो अलग अलग पर्सन माने जाए। एंड सप्लाई ऑफ एक्टिविटी ट्रांजेक्शन इंटर से का मतलब होता है बच्चों आपस में, शैल बी डीम टू टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दिस एक्सप्लेनेशन प्रिवेंट्स द यूज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी बाय सच पर्सन टू अवॉइड जीएसटी लाइबिलिटी। मतलब इसको एक्सप्लेनेशन को देने का पर्पस है कि कोई पर्सन डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी का फायदा ना लेना चाहे कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन और उनके मेंबर दो अलग अलग पर्सन नहीं होते सेम पर्सन होते हैं, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में कहा कि जीएसटी के लिए उनको दो अलग अलग पर्सन माना जाएगा और उनकी आपस में जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी वो सप्लाई के अंडर आ जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। पर बच्चों सेकंड हमारा जो चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी उससे रिलेटेड हमारी अमेंडमेंट है, मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है। कैसे लिखा है समझना, कंपोजिशन स्कीम है ना बच्चों, उससे बाहर कर रखा था पहले कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर हो चार चीजें लिखा करते थे, पान मसाला, तबैको, आइसक्रीम एंड एरिएटेड वाटर। इन्होंने चार और चीजों को ऐड कर दिया, अब आठ चीजों के मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम को ओपन नहीं कर सकते, चार तो है ही है पहले, चार और इंसर्ट कर दिए, हमें याद रखनी है क्योंकि हमारे लिए एप्लीकेबल है वो, पहले चार थे अब आठ हो गए, तो चार कौन सी इंसर्ट की है अभी बच्चों पढ़ते हैं। देखो ऐसे कहा है इन्होंने यहां, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फ्लाई एश ब्रिक्स, ये ना बच्चों ईंटों की बात कर रहे हैं, फ्लाई एश का मतलब होता है जब कोयला जो कोल है उसको जलाते हैं तो जो राख आती है, हालांकि हमें इसको कोई समझना नहीं है, उनसे जो ईंटें बनती है मतलब उसमें अभी इन्होंने बता रखा है, ब्लॉक्स कह लो ब्रिक्स कह लो, बिल्डिंग ब्रिक्स जो बनती है, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल अर्थरन एंड रूपिंग टाइल्स, तो इन सब के केस में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि इनके मैन्युफैक्चरर इनइलिजिबल हो गए हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एटसेट्रा, इनइलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। तो ये चार हमें पढ़ने, अभी नीचे इन्होंने दे रखा है, देखो कैसे लिखता है बच्चों, एज पर सेक्शन 10(2) हमें पता है उसी में बता रखा है, रीड विद नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 सीटी डेटेड 7 मार्च 2019, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। पहले ये चार हैं ऑलरेडी, हमें ये याद रखना है, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, हम इसको आइसक्रीम ही कहते हैं, पान मसाला All goods, tobacco and manufactured tobacco substitute, हम tobacco बोलते हैं, और fourth one aerated water, तो इन चारों के manufacturer के लिए तो पहले से ही नहीं थी क्या composition scheme, और चार को इन्होंने और add कर दिया है 1/4/2022 से, तो क्योंकि 30 अप्रैल तक की हमारी amendment है तो हमें ये चार और याद रखने हैं, With effect from 1/4/2022 notification number 14/2019 CT dated 7th March 2019 has been amended to include polling item in the above list. तो ये बच्चों आपको चार और याद रखने, पहली fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks, मतलब ये ईंटों की बात कर रहे हैं जो किससे बनती हैं, फ्लाई ऐश से, उसका 90% पोर्शन उसी से बना हुआ है कंटेंट से, इसी तरह से ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स सिमिलर सिलिशियस अर्थ, इसी तरह बिल्डिंग ब्रिक्स, और लास्ट वन इज अर्थरन और रूफिंग टाइल्स। तो मतलब आप ये कह सकते हो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, बिल्डिंग ब्रिक्स, ये सब के केस में गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम से मना कर दिया, प्लस अर्थरन और रूपिंग टाइल जो जमीन पे लगती है टाइल और जो छत के लिए लगती है टाइल्स, उन सब के मैन्युफैक्चरर को इन्होंने क्या कर दिया, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए वो इलिजिबल ही नहीं है, उनको अपना रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्कीम में ही कराना पड़ेगा जब उनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाएगी।
ये अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड। तो ये बच्चों मैं पहली क्लास के अकॉर्डिंग दो ही अमेंडमेंट करा रहा हूँ, बस ये दो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। टोटल 8 चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट दे रखी है, 4 क्लासेस में हमारी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। बाय बच्चों।